के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के उपाध्यक्ष वर्षा सिंह जी, मंच पर आसीन सचिव श्री उमेश शाह जी, प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी, समारोह अधिकारी प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह जी, डॉक्टर रंजन शर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बहादुर सिंह जी, इस विद्यालय के प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, इस शहर के उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा वर्षा जी का, इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। 3 बार ये कार्यक्रम स्थगित हुआ। जब भी कोई तिथि सुनिश्चित होती थी, उसी तिथि पर कोई हमारे विभाग का या पार्टी का बड़ा कार्यक्रम आ जाता था और मुझे क्षमा मांगनी पड़ती थी। 2 बार ऐसा हुआ, 3री बार आज भी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है लखनऊ में इस समय, और बड़ी मजबूरी बन गई मेरे सामने कि मैं क्या करूं, लेकिन वर्षा जी की डांट नहीं सह सकता था कि बहुत डांटती है। टेलीफोन पर ही उल्हाना देती है कि अब के नहीं चलेगा इस तरह, और फिर थोड़ा विलंब हुआ मुझे, क्योंकि अमेरिका से आई है इसलिए टाइम की पंक्चुअलिटी तो सही, 11 बजे आपको आना है, लेकिन हमारे साथ ये मजबूरी होती है, खासतौर से राजनीतिक व्यक्ति के साथ, कि घर से निकल रहा है कोई, आया उसको नहीं सुना तो उधर उल्हाना मिलता है कि बड़ा घमंड आ गया। कुछ शायराना अंदाज में कह देते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो जागत आ ही जाती, और अगर वहां रुकते हैं तो यहां विलंब से कहते हैं कि देर से आते हैं। ये राजनीतिक दलों की मजबूरी है उनके कार्यकर्ताओं की, इसलिए मैं आप लोगों के दर्शन 2 बार स्थगित होने के बाद कर सका और थोड़ा विलंब से हुआ, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। यह राजनीतिक व्यक्तियों की मजबूरियां हैं, मैं फिर भी आप सबसे माफी मांगता हूं उसके लिए। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन है, एक तरफ अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मेरे नेता मोदी ने एक नई दिशा दी है देश को, नई दशा दी है इस देश को, और इसका अनुभव होता है जब कभी हम बाहर जाते हैं तो लगता है कि मेरे नेता ने कुछ किया है। मैं अभी नीदरलैंड और फ्रांस गया था सरकारी काम से, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स अधिक से अधिक आया को इनवाइट करने के लिए, तो जब मैं पहुंचा पेरिस और नीदरलैंड में, और मैंने बताया कि मैं यूपी से हूं, हिंदुस्तान से हूं, तो बड़ा फख्र हुआ ये सुनकर कि वहां के लोग बोले, ओ यू आर फ्रॉम मोदी इस कंट्री, यू आर फ्रॉम योगी इस स्टेट। मेरा सीधा 56 इंची का हो गया जब मैंने ये सुना, क्योंकि इसी शहर में मेरे जीजा श्री भी गए थे बहुत सालों पहले,
वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स में इंदौर यूनिवर्सिटी में, और वहां से जब लौटे थे तो बड़ा कड़वा अनुभव लेके लौटे थे कि जब बताते थे कि हम भारतवासी हैं तो बड़ा हेय दृष्टि से देखते थे लोग। एक वो दौर भी था, एक ये दौर भी है, ये परिवर्तन हुआ है। अमृत महोत्सव राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरा है मेरे नेता ने आम जनता के तिरंगे के साथ। अभी हाल में 15 अगस्त को आप लोगों ने किया, लोग निकले घर घर झंडा फहराए, 6 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली है, एक रिकॉर्ड कायम हुआ इस देश में, पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। जब मोदी बोलता है तो देश ही नहीं दुनिया सुनती है, जब मोदी कहता है तो दुनिया मानती है। विपक्ष बड़े तंज कसते रहे मेरे नेता पर, लेकिन उसने दिखा दिया कि देश एक हो जाता है उसकी आवाज पर, चाहे घंटे घड़ियाल बजवाए हो उन्होंने या स्वयं प्रेरणा से कर्फ्यू लगवाया हो या ये तिरंगा लहराया हो। ये अमृत महोत्सव का जज्बा बना किया है देश, और उसी के अंतर्गत आप भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह। अभी मैं रिपोर्ट सुन रहा था प्राचार्य महोदय की, तो लगा कि सर्वांगीण विकास की ओर यदि कहीं पर शिक्षा दी जा रही है तो इस महाविद्यालय का दी जा रही है। कोई अछूता विषय नहीं रहा जहां पर छात्रों को ट्रेन न किया जा रहा, डिबेट के लोग सब आए, खेल के आए, सब प्रतिभा आए। मुझे अपने भी बीता हुआ समय याद आ गया, क्योंकि तो मैं भी जब 7th में था तब पहली बार डिबेट में मैंने भाग लिया था। फिर मैं बैठा बैठा सोचने लगा, जब अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, एक उक्ति है हम लोगों में, इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन एक शायर लिखता है ये कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है, ये कहना है गलत इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौटाए, लेकिन यदि कोई महाविद्यालय में आ जाता वो शायर, शायद पढ़ा नहीं होगा कहीं महाविद्यालय में, आ जाता तो उसकी जोश जवानी लौट के आती, यह है महाविद्यालय का। बड़ा अच्छा लगा रिपोर्ट सुनकर, क्योंकि इस वास्तविक गुरु का काम क्या है, अंदर छुपे हुए प्रतिभा को निखारना, प्रतिभा को तलाशना, फिर प्रतिभा को तराशना। यहां मैं देख रहा हूं कि प्रतिभाओं को तलाशा भी जा रहा है और तराशा भी जा रहा है। स्वयं प्रेरणा से प्रतिभा आगे आती है। न्यूटन जब बैठा था किसी पेड़ के नीचे और फल गिरा तो उसके अंदर की प्रतिभा जागृत हुई और एक पूरा विज्ञान जिसको हम पढ़ रहे हैं वो उसने दिया। ये स्वयं प्रेरित निखारी हुई प्रतिभा थी। जेम्स वाट किचन में बैठा हुआ था, चाय बना रहा था, चाय की भाप से केतली का ढक्कन उठ रहा था। उसने सोचा, मेंटल एक्सरसाइज की और उसे लगा कि भाप में शक्ति है, और भाप में शक्ति के नाम पर फिर उसने जो काम किया वो सब दुनिया ने देखा। तो स्वयं प्रेरणा से उसने प्रतिभा को तराशा, और प्रतिभा को तलाश कर तराशना यह भी काम होता है। एक लव ने प्रतिभा अपने आप तराशी थी, तो अर्जुन की प्रतिभा को गुरु द्रोण ने तराशा था।
एक ने स्वयं प्रेरणा से तराशी और एक गुरुओं ने तराशी। ऐसे गुरु ज्यादा सार्थक होते हैं इस काम में, और शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है यह हम सबको समझना चाहिए। शिक्षक बनना आसान है, गुरु बनना कठिन है। गुरु बनना कठिन है, बहुत कठिन है डगर पर कठिन। गुरु बनने की डगर बड़ी कठिन है, और मैं शिक्षकों से इस मंच से गुजारिश करना चाहूंगा कि गुरु बनने का प्रयास करें। उनको याद किया जाता है। मेरे जीवन में बहुत शिक्षक आए हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो एक पंडित जगन्नाथ जी थे, आज तक देखिए उनका नाम भी याद है, उनका स्मरण भी कर रहा हूं उस मंच से, क्योंकि वो पढ़ाने के अलावा जो तराशते थे वो हफ्ते में एक दिन गुरु भक्त मां बालक की कहानियां, मातृ भक्त बालक उनकी कहानियां, पितृ भक्त बालक उनकी कहानियां, देशभक्त बालक उनकी कहानियां सुनाते थे, यानी हमारे अंदर संस्कार डालते थे। वो शिक्षा से अलग काम था, इसलिए वो मेरे गुरु हैं। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम गुरु हैं कि नहीं है शिक्षक को। अंबेडकर जी को किसने तराशा? नहीं, प्रतिभा खो जाती है उस देश में। उनके गुरु जिन्होंने अपना नाम भी दिया अंबेडकर, एक पंडित जी थे। ये तो दुनिया दिखाती है जो नेगेटिव राजनीति करते हैं कि अंबेडकर के साथ ये हुआ, कि अंबेडकर का साथ ये हुआ, कि दलितों के साथ ये हुआ। ये कोई नहीं बताता उसका पॉजिटिव चेहरा। एक पंडित जी ने अपना नाम देकर उसको पढ़ाने के लिखाने की पूरी व्यवस्था की, और जब एक स्तर तक पढ़ गया और विदेश भेजना पड़ा तो खुद महाराजा गायकवाड़ के पास गए, जो कि ठाकुर थे। उन्होंने उसकी पूरी उनकी व्यवस्था की, भेजकर पढ़ाने की, बारेटला कराया, तो तलाशा गया और तराशा गया, तब अंबेडकर बना। अंबेडकर तो यहां भी प्रतिभा को तलाशा भी जा रहा है, तराशा भी जा रहा है, लेकिन शिक्षक गुरु बनकर काम करे। एक और गुरु का किस्सा सुनाऊं अपना। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। मुझे एक बार नगर मंत्री का दायित्व मिला, अखबार में छोटा सा फोटो भी आया, फोटो पढ़ के लोगों को मालूम पड़ा। मैं कॉलेज में गया, लोगों ने बधाइयां दी। डॉक्टर जी सी शर्मा हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैंबर में, बोले विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री बने, उसका क्या मतलब होता है? अब एक स्टूडेंट से अचानक बहुत सीनियर लेक्चरर ये पूछे तो अटपटा जाएगा बालक। फिर भी मैंने कहा कि मतलब ये है कि मुझे छात्रों के हितों में संघर्ष करना है, उनकी मांगों को, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़नी है, उनको आगे पहुंचाना है। बोले नहीं। फिर मैंने कहा कि आगरा के सभी कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद की इकाई का गठन हो जाए, नगर मंत्री का यह दायित्व होना चाहिए। बोले नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव आप भी बताओ। बोले इस दायित्व को वहन करने के बाद छात्र हित में ही राष्ट्र हित में कोई ऐसे काम करना जिससे आने वाली नस्लें याद रखें कि विद्यार्थी परिषद उस समय की थी, यह है तुम्हारा काम। दिशा किस वो भी एक तरह से आप शिक्षक की तरह बधाई लेके छोड़ देते। शिक्षकों को भी अपने अंदर आप चिंतन करना चाहिए। मैं उस शिक्षा मंत्रियों से नसीहत नहीं दे रहा हूं, लेकिन समाज की स्थिति बता रहा हूं कि इस तरह के शिक्षक भी हैं, और वह भी हैं जो पढ़ाते नहीं है, दो दो ढाई ढाई लाख रुपए तनख्वाह पाते।
हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरा नेता पूरे देश में जज्बा पैदा कर रहा है, भारत देशभक्ति का। विदेशों में जाके भारत माता की जय बुलवाता है, मेरा नेता वो है। राजनीति का एक पहलू वो, मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यह भी हमने देखा और उसके समर्थन में खड़े होते हुए लोगों को देखा, उसकी उसकी निंदा न करते हुए राजनीति को देखा। सिर्फ एक विचारधारा थी जिसने राजनीति की जिसने विरोध किया, तो एक राजनीति वो देखा है इस देश ने कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और एक वो दौर देखा कि लंदन के चौराहों पर, मास्को के मैदानों पर, पेरिस के स्मारक पर मेरा नेता विदेशों से भारत माता की जय बुलवाता है। हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का होता है। यह राजनीति, यह देशभक्ति। देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है? जो जिम्मेदारी हमको समाज ने दी है, यह समाज से हमने ली है, उसका ईमानदारी से पालन करें, यही राष्ट्रभक्ति है। इसलिए मित्रों, शिक्षक मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, छात्रों आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको सही ढंग से पढ़ना है, मनोयोग से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, देश के लिए पढ़ना है। आप जब नहीं पहुंचे तो वो काम करें, चाहे वो जॉब सीकर बने, चाहे जॉब करने वाले बने, लेकिन देश का काम करें, यही देश। ये कौन सिखाएगा? ये संस्कार शिक्षा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों को, शिक्षा ही ये काम करती है। एक समय था लॉर्ड मैकले की जी शिक्षा पद्धति को ढो रहे थे, ये देश ढो रहा था। लोग कहते थे कि शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोग कहते तरफ होगा ना, तो होगा कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था ना, मांग रखने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, लेकिन होना चाहिए। ये कसर हर एक दिल में। अब एनी भी बनी है, जब मेरा नेता मोदी आए हैं इस देश में शासन करने, और शिक्षा का में आम उनसूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षा को जो हमें को चाहिए, शिक्षा, शिक्षा को संस्कार से जोड़ा है, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा है, शिक्षा को तकनीक से जोड़ा है। और मैं देख रहा हूं जितना परिचय दे रहे थे, यहां पर रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तीनों से जुड़ी हुई शिक्षा को मैंने यहां देखा, सुन रहा था। यानी हमारा अतीत भी हमको ज्ञान हो, भविष्य वर्तमान का बोध हो, और भविष्य दिखा रहे हैं, प्राचीनता से आधुनिकता से जुड़े, ये शिक्षा का काम है। एनईपी 2020 यही कहते हैं, यही बता रहे हैं, इसी की मूल बिंदु की परिधि में पूरी शिक्षा की एनईपी 2020 है। अभी विवेकानंद जी की पुस्तकें सबको दी गई। विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बहुत लिखा है, और उनके विचारों को मैं चिर यौवन विचार कहता हूं। उनका विचार काल वहां काल त्याग्य कभी नहीं हुआ, क्योंकि कई विचार होते हैं, देश काल वातावरण के हिसाब से पैदा होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं या असर खो जाते हैं। लेकिन विवेकानंद जी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बराने बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहो, बढ़ते रहो, ये आदर्श का आज ही हमको प्रेरित किया। यहाँ पे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, जो आपने किया है इस मैनेजमेंट में, इस विद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर, उसके लिए भी बच्चों, जब लग जाओगे जुनून से तो खराब कर लोगे, जैसे आपका मैनेजमेंट खराब कर रहा है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, प्रयास करो,
परिवर्तन आए हैं, दिशा बदलेगी। वो दौर भी देखा इस देश ने, जिन लोग कहने लगे अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, घोटालों का साम्राज्य था। और ये दौर भी देखा कि घोटाले होते नहीं है, करते हैं लोग। लक्ष्य प्राप्ति का, विवेकानंद जी का ये बहुत बड़ा आदर्श वाक्य हमको प्रेरित करता है। उन्होंने लिखा एक जगह, आने वाले 50 सालों तक हिंदुस्तान के युवकों को भूल जाना होगा। लिखते वो 50 सालों के लिए है, लेकिन आज भी वो हमको उतनी प्रेरणा देता है वो विचार उनका, कि दुनिया के हिंदुस्तान के युवकों को आने वाले 50 सालों तक भूल जाना होगा कि उनका कोई इष्ट देव है या कोई इष्ट देवी। उनका एक ही इष्ट देव है हिंदुस्तान का राष्ट्र, और एक इष्ट देवी है भारत माता। आज तो क्यों नहीं हम इन सबको आत्मसात करते। विवेकानंद जी की तस्वीर लगी है, तस्वीर में माला अर्पण कर दी, हो गया काम। अरे उनके विचारों का अनुसरण कर समाज की, देश की सेवा करना ही उनके विचारों को, उन पर माल्यार्पण करना होगा, उन पर पुष्पांजलि ही अर्पित। और ये विद्यालय उस गति में प्रगति कर रहा है, इसकी मुझे खुशी है। कम विद्यालय है ऐसे इस प्रदेश में। हमारे नेता सत्यदेव सिंह जी से जुड़ा हुआ है इस विद्यालय का नाम, उनका काम मेरे नेता रहे। मेरे आदर्श रहे हैं। जब वो बोलते थे हम सुनते थे, इतने बढ़िया वक्ता रहे हैं। उनके बताए हुए सूत्रों पर चलते थे, इतने बढ़िया संगठन करता रहे हैं। बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं यहां आना तो चाहता था, बहुत इच्छा थी। वर्षा जी ने जब बताया था कि मैं उनकी पुत्री हूं, तो मुझे दिली लगा हुआ, क्योंकि मेरे नेता की पुत्री।